हेलो स्टूडेंट्स, इलेवेंथ क्लास लेसन नंबर थर्ड, एन एम्पायर अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट्स। टॉपिक मेन रूलर्स आफ्टर थर्ड सेंचुरी एडी। हमने फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया था फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, कहाँ से? इथोपिया, कांगो, जायरी। उसके बाद अपना जो सेकंड टॉपिक था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, आर्ट एंड सिटी लाइफ। ऑलमोस्ट उसके नॉर्थ ईस्ट में वो एरिया था जहाँ ग्रीस, सीरिया, अरेबियन कंट्रीज, सऊदी अरब, यहाँ पर सिविलाइजेशन कौन सी थी? ग्रीस सिविलाइजेशन। ग्रीस सिविलाइजेशन के ऊपर ही ये मान के चलो रोमन एम्पायर, यानी हम उस एरिया से अभी तक निकले नहीं हैं। रोमन एम्पायर को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, 507 टू 27 BC, इस टाइम को हम बोलते हैं रिपब्लिक रोमन एम्पायर। बल्कि यहाँ पर एम्पायर वर्ड भी नहीं लगाना चाहिए, सिविलाइजेशन। 507 टू 27 BC तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या बोल सकते हैं? रोमन सिविलाइजेशन। 27 BC, 27 सेंचुरी, इसको हम कहेंगे रोमन एम्पायर। अब हम अपने लेसन को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, थर्ड सेंचुरी एडी के बाद। थर्ड सेंचुरी एडी से पहले के कुछ मेन रूलर्स हमने कल किए थे, जूलियस सीजर, ऑगस्टस, टिबेरियस, गलियनस, ट्राजन। थर्ड सेंचुरी एडी के बाद के जो मेन रूलर्स हैं उनको आज हम करेंगे, डायक्लोसियन, कॉन्स्टेंटाइन, जस्टिनियन। फर्स्ट करते हैं डायक्लोसियन। डायक्लोसियन का जो टाइम पीरियड है वो 285 टू 305 है। डायक्लोसियस ने जब अपना रूल संभाला तो उसका एम्पायर इतना बड़ा था कि उसने और एम्पायर को बढ़ाने की कोई नीड नहीं समझी, बल्कि अपने एम्पायर के वो किंगडम्स, वो टेरिटरीज जो स्ट्रेटजिकली और इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट नहीं थे, जिनकी वैल्यू नहीं थी, उस टेरिटरीज को अपने एम्पायर से हटा दिया और अपने फ्रंटियर एरिया में या बाउंड्री पर उसने क्या किया? फोर्टिफिकेशन कर दिया। दूसरा काम क्या किया इसने? जो मिलिट्री थी और सिविलियन थी उनके वर्क सेपरेट कर दिए। थर्ड काम क्या किया? जो कमांडर थे उनको और ज़्यादा सोवरेंटी दे दी। तो इस तरह डायक्लोसियन ने उस टेरिटरीज को छोड़ दिया जो उसने उसको इम्पोर्टेंट नहीं माना, जिसको इम्पोर्टेंट माना उसको रख लिया और वहाँ पर फोर्टिफिकेशन कर दिया। रूलर नंबर टू, कॉन्स्टेंटाइन, 306 टू 337, 306 से लेकर 337 ईस्वी सन, यहाँ पर रोम के ऊपर रूल किसने किया है? कॉन्स्टेंटाइन ने। कॉन्स्टेंटाइन की जो अचीवमेंट है, कॉन्स्टेंटाइन के जो वर्क हैं वो तीन इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले तो इसने पहली बार क्रिश्चियनिटी को, यानी ईसाई धर्म को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। दूसरा काम क्या किया? इसने मॉनेटरी स्फीयर में सोलिडस नाम का एक क्वाइन चलाया जो 4.5 ग्राम का प्योर गोल्ड था, सोलिडस। तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या था कॉन्स्टेंटाइन का? इसने
रोमन एम्पायर के ईस्ट में एक न्यू कैपिटल बनाई जिसे आज हम इस्तांबुल कहते हैं। इससे पहले इसको बाइजेंटाइन कहा जाता था। उससे पहले जब कॉन्स्टेंटाइन ने इसको कैपिटल बनाया तब इसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपले था। तो कॉन्स्टेंटाइन ने तीन वर्क किए। पहली बार कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियन रिलीजन को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया। सोलिडस नाम का एक क्वाइन चलाया, 4.5 ग्राम का प्योर गोल्ड। मॉनेटरी सिस्टम में ये काम किया। तीसरा जो काम था न्यू कैपिटल रोमन एम्पायर की ईस्टर्न में, जिसके तीन और थ्री साइड सी लगता है, कॉन्स्टेंटिनोपली ये उसने कैपिटल बनाई जिसको हम कस्तुनतुनिया कहते हैं। इसके तीन नेम हैं, कस्तुनतुनिया, बाइजेंटाइन और इस्तांबुल। थर्ड जो एम्परर है जस्टिनियन। जस्टिनियन का टाइम पीरियड 527 टू 565 यानी 6 सेंचुरी का सबसे इम्पोर्टेंट रूलर जस्टिनियन था। जस्टिनियन की सबसे मेन अचीवमेंट क्या है कि जस्टिनियन से पहले रोमन एम्पायर के वेस्ट में और नॉर्थ में बहुत सारे अटैक हुए थे और ये अटैक करने वाले जर्मन ट्राइब्स थे जिसमें गोथ, लोम्बार्ड, वेंडल, और इन्होंने नॉर्थ और वेस्ट रोमन एम्पायर का बहुत बड़ा हिस्सा अपने अंडर में ले लिया था। जस्टिनियन ने उन सब को डिफीट कर दिया और रोमन एम्पायर के अंदर फिर से प्रॉस्पेरिटी और पीस लेकर के आए। इसलिए जस्टिनियन का रूल बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। बट 6 सेंचुरी के बाद रोमन एम्पायर के ईस्ट में जो ससानीज एम्पायर था उसने अटैक शुरू कर दिए और 7 सेंचुरी में तो यहाँ पर इस्लाम का राइज हो चुका था और इस्लाम 7 सेंचुरी के लास्ट तक पूरे यूरोप में, यहाँ तक कि स्पेन तक सेपरेट हो चुका था। तो आज के अपने ये तीन मेन रूलर्स हमने किए हैं, होप है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।